हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होगे। तो आज हमारी सवारी निकली है प्रयागराज के बहुत ही फेमस केपी गार्डन में। जी हाँ, बहुत दिनों से मैं सुन रही थी और मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत ढेर सारे एड्स देखे थे कि केपी गार्डन में सेल लगा हुआ है, मेला लगा हुआ है। हाँ, मेला लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है। तो हम लोग निकल चले थे यहाँ पे, तो हम पहुंच चुके हैं। और यहाँ का जो टिकट चार्ज था, पहले तो नहीं ऐसा कुछ होता था कि भाई आप लो चाहे ना लो, आपको शॉपिंग करो या ना करो, जाने की एंट्री तो फ्री होती थी। बट अब इन्होंने टिकट्स का चार्ज भी 20 रुपीज़ लगाया। तो हमने 20 रुपीज़ की टिकट ली और फिर हमारी एंट्री हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा तो हम लोगों को कुछ नहीं दिखा। सामने वुडन फर्नीचर्स लगे हुए थे, देखने में तो काफ़ी खूबसूरत थे, लेकिन आपको एक बात बताऊँ, इनके प्राइस जो थे वो जो ऐसे होने चाहिए वो लगभग उसके 4 to 5 times थे। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स थे, काफ़ी कुछ था, लेने लायक भी था, ऐसा नहीं है, और बहुत कुछ सामान थे, मतलब देखने को। कपड़ों की अच्छी वैरायटी इन्होंने रखी हुई थी, सिंपल जो है फैब्रिक्स भी थे और बने बनाए भी थे। मुझे ये सूट्स बहुत लगे हुए थे, इसमें मुझे जो पिंक कलर का सूट सेकेंड नंबर पर था ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, बट इसका रेंज बहुत ज़्यादा था, इन्होंने 6000 बताया, जो कि मुझे उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे था स्टॉल, यहाँ पे ये कुर्तियों के थे, फ्रॉक अनारकली टाइप का था। इसमें भी मुझे एक सूट बहुत ही पसंद आया था, जो ये सेकंड नंबर पे है, फ्रॉक सूट सेकंड थर्ड दोनों। इसकी प्राइस भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बताई, 4000 बताई, जो कि उतना नहीं था, अच्छा था, बट प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ये कॉस्टली मुझे लगा। तो हमने कुछ नहीं लिया यहाँ से ये सब चीज़ें। फिर आगे में कुर्ती भी थी, और एक जगह पे भैया ने बोला कि 600 में एक कुर्ती मिलेगी, 1200 में 2, लेकिन सच बताऊँ वो 100 रुपीज़ लायक भी कुर्ती नहीं थी। जो एक रियल रिव्यू करूँ तो वहाँ पे हर कुछ अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने स्टॉल भी खूब लगाए थे और मल्टी ब्रांड्स के थे और कई जगह के थे, जगह जगह के थे, देखने में सच में बहुत खूबसूरत थे। बट सब कुछ बहुत अच्छा था, क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे प्रोडक्ट्स। लेकिन मुझे जो सबसे ये चीज़ जो मैं इसका रिव्यू ऑनेस्ट दूँगी कि ये था कि प्राइस 4 to 5 times ज़्यादा था। फिर कुछ कुछ के डबल भी थे। अब यहाँ पे वही 600 में एक कुर्ती, लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगी। अब बाकी भाई जो उसको डेफिनेट कुछ चीज़ें अच्छी हुई थी, यहाँ पे चिप्स पापड़ वगैरह की वैरायटी थी, लोगों ने जिसको जिसको बहुत चटपटे खाते होंगे उनके लिए अच्छा था। दीदी बिटिया को लेके टहल रही हैं, हम लोग भी देख ही रहे थे कि क्या लेना है क्या नहीं, लेकिन लेने का सोचा था बट हम लोगों ने बहुत कुछ क्या नहीं लिया। बैग्स थे जो कि नॉर्मल, मैं वही बोली ना कि मतलब आप नॉर्मल ऑनलाइन लो या नॉर्मल मार्केट से लो, जो चीज़ें आप ख़रीद लेते हैं 100 रुपीज़ में, वो यहाँ पे 400 की थी। तो मतलब 4 times 3 times ऐसे जो थे प्राइस आए थे। कपड़ों की वैराइटीज़ थी, ज्वेलरी काफ़ी अच्छी थी यहाँ पे। फिर यहाँ पे सिल्क के जो फैब्रिक्स हैं वो भी थे। अगर आपका प्राइस का इशू ना हो तो आप बिल्कुल जा सकते हो। अगर आपको पसंद का है कि नहीं, मतलब मुझे अच्छा लगा तो मैं ले लूँगा या ले लूँगी, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। फिर यहाँ पे ये सोफ़ा कम बेड था, ये भी अच्छा था। हम लोगों को लेना था फ्रिज कवर सोफ़ा कवर, तो हम लोग घूम रहे थे, ढूंढ रहे थे कि फ्रिज कवर सोफ़ा कवर है कहाँ। यहाँ पे मैंने अपने बेटे का हाथ कस के पकड़ा, 4 लोग यहाँ पे बढ़िया बढ़िया पैक करके चटपटा, जानते हो चाहे लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, लड़की लड़का हो, सबकी नज़र एक बार खाने चटपटे चीज़ों पे रुकी जाती है। तो अचार तगड़ा बिक रहा था भैया का, तो अचार लोग ले रहे थे। यहाँ जो है दीदी के सुपुत्र अभिराम जो हैं वो अपने पिताश्री के साथ शायद कहीं आइसक्रीम खा रहे हैं, हम लोग बाहर में उनको ढूंढ रहे थे। फिर एक बगल में भी स्टॉल था, हम लोग सोचे कि इसमें एंट्री ले, तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्ज़िट वाले गेट से एंट्री लिया, सबसे अच्छी बात, तो एग्ज़िट वाले गेट से एंट्री लिया। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ था, देखते देखते हम लोग जो है वो ये सब जो डेकोर के आइटम्स आए थे जो कि बहुत कॉस्टली थे, मैंने वही बोला। और जो एक ये कैंडल वाला जो आप लोग भी जानते होगे ना कि वाटर कैंडल, पानी के ऊपर रिफाइंड या कोई ऑयल डाल के मतलब उसके ऊपर कैंडल फ्लोट करती है, तो वो जो था ना वो मैं 50 रुपये में, मात्र 50 रुपीज़ में मैंने 10 लिया था एक बार, और यहाँ पे बहुत महंगा था लेने, 200 के थे, बहुत महंगे थे। फिर डोरमेट्स वगैरह का ये क्वालिटी, तो जाहिर सी बात है इनको सेल करना है तो क्वालिटीज़ बहुत अच्छा बताएंगे, क्वालिटी सच में क्वालिटीज़ तो होती, मैंने भी बताया क्वालिटीज़ भी है, अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं। बस एक ये है कि भाई आप बजट अगर आपका ओके है, मतलब आपको ये नहीं है कि नहीं आपको पसंद है ले लेना, तब बिल्कुल जा सकते हो।
एक यहाँ पे ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो कि गैस के ऊपर ये रख के रोस्टिंग तंदूर वाला था, कि आपको बस गैस के ऊपर इसमें हल्का पानी डाल के सेट कर देना है और बाकी आप जो भी बनाना चाहो ये तंदूर वाला ये आराम से आपको बढ़िया से सीख जाएगा। अच्छा लगा बहुत ये आइटम मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं कि जो किचन के और भी कुकिंग वेयर थे वो भी थे। फिर यहाँ पे एक चीज़ है जो दिल्ली के जो ये क्या कहते हैं हम लोग पहनते हैं ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी जो होती है ये एंटीक वाली, ये काफ़ी अच्छा था। और सबसे अच्छी बात इस मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, पर पीस आप छोटे लो तो भी 100, बड़े लो तो भी 100, सेट्स वाले भी 100 के थे, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा था। तो ये लोग यहाँ पे भीड़ भी थी, बहुत लोग ले रहे थे, बच्चों के टॉयस थे और पिज़्ा मेकर मशीन्स, ओवन, माइक्रोवेव, ऐसा सेम हमारे घर में है तो दीदी वही दिखा रही थी कैसा। और ये बोलती रामायण में ना रामायण मतलब बोलता रहता है, बहुत लोग तो जानते भी होंगे, ये हमारे गांव पे है तो इसके बारे में मैंने सुना था। मुझे एक ही सेट अच्छा लगा तो मैंने पूछा, तो इसका प्राइस मैंने 600 बताया। अगेन मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली लगा नहीं दिया, हम लोगों ने सोचा एक आध फ्रेम ले लें, तो इन भैया ने बताया कि अगर इसको ये फ्रेम करके देते हैं तो इसका प्राइस जाएगा 800, जो कि बहुत छोटा था, एक बार ले सकते थे। हम लोगों ने सोचा कि ले लें, ये बिल्लियाँ बड़ी प्यारी लगी, हाँ ले लगी, गणेश जी वाला हम लोगों ने पसंद भी किया था बट फिर नहीं लिया हम लोगों ने। फिर अगेन ये आइसक्रीम वाला, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों के लिए ठीक था लेकिन नॉट गुड ना, हेल्थ के लिए जो चीज़ अच्छा नहीं है उसको क्या क्यों ही उससे पैसे वेस्ट करना, क्यों ही लेना। हम लोग को सोफ़ा कवर लेना था तो हम लोग को आंटी को ढूंढ रहे थे, तो फिर हम लोग को आंटी मिली आगे जाके, तो देखे तो अगेन वही था कि बहुत अच्छा नहीं था उसके अकॉर्डिंग, तो पसंद नहीं आया। यहाँ पे प्राइस की बात नहीं थी, लेना था हम लोगों को फ्रिज कवर भी और, लेकिन पसंद नहीं आया, चॉइस नहीं आई हम लोगों की। और ढेर सारे जो कटर्स मिलते हैं, इन कटर्स की बात तो एक बात मैं बताऊँ, एक कटर्स की बात ये रहती है कि यहाँ पे काटोगे तो भैया कट जाएगा, घर जाने के बाद नहीं कटता है, बस इन कटर्स की यही खूबी होती है। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सेम कटर एक ऐसा एक बार लेके आई थी और वहाँ पे काटा तो कट गया, फिर घर आके कटने के बाद वो आज तक दोबारा यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। ये लाइट्स बहुत बहुत सुंदर लग रही थी, हम लोगों ने ये लाइट्स ली, बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये हम लोगों को बढ़िया लगा। यहाँ सोफे के डिज़ाइन सच में बहुत खूबसूरत थे, नो डाउट। और यहाँ चलते फिरते अचानक से दीदी जो हैं उनके ससुराल से कोई मिल गया, तो दीदी फिर बात करने लगी। बच्चों को तो यही सब है, ये लोगों ने अलग ही लेवल पे इंजॉय किया। फिर हम लोग भी निकल आए, बहुत कुछ लिया नहीं। निकलने के बाद सब लोग भाई, कुछ लोग बाहर थे कुछ लोग अंदर थे, तो सब एक दूसरे को ढूंढ रहे। मैं थक गई थी तो दीदी ने बाबू को ले लिया, तो कुछ देर तक इन्होंने लिया था। फिर यहाँ पे फ्रंट में खाने के स्टॉल लगे हुए थे, नो डाउट बहुत कॉस्टली थे, लेकिन हाँ अब इसमें तो कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं कर सकता। मुझे ये बहुत पसंद है अमेरिकन भुट्टा, तो मैंने अमेरिकन भुट्टा लिया, ये 1 पीस 70 का दिया, तो हम लोगों ने हाफ ऑफ करके खाया, ये अच्छा था, टेस्टी था। फिर अभिराम को जो है वो खाना था इसको पिज़्ज़ा, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा और पिज़्ज़ा। और ये मैंने इसको बहुत ज़्यादा वायरल ये हो रखा था, पोटैटो चिप्स जो ये राउंड राउंड करके ये करते हैं, तो मैंने एक ही ऑर्डर किया, तो मैंने लिखा तब तक इनको आइसक्रीम दिख गई हमारे लाल को, तो इनके लिए एक आइसक्रीम दिलाया, फिर मैंने मेरा ये आ गया। खैर नो कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं था भाई, बस ये आलू को राउंड राउंड, एक आलू समझ जाओ 2 रुपए के आलू की कीमत हमने 80 रुपए दी, पैसा वेस्ट हो गया यहाँ पे। फिर चाहते हो चाय, मेरी कमज़ोरी यहाँ पे तंदूर चाय था, तो मैंने सोचा एक चाय पी लूं, क्योंकि शाम को दिल्ली में निकल गए थे हम लोग तो चाय पीनी, तो हमने चाय पी, कुछ खाया पिया और फिर वापस घर आ गए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।